राम किसान भाइयों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव। मैं आज आपको गेहूं में होने वाले खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में बताऊंगा। इस समय गेहूं की फसलों में पानी लगाए जा रहे हैं। पानी लगाने के बाद और उससे पहले भी गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले खरपतवार उगाते हैं, जो बोए नहीं जाते हैं, अनैच्छिक रूप से उगाते हैं। जैसे बथुई, गाँव में कांटा बोला जाता है वो, गजराहा खर, गेहूं का मामा, गुंडी डंडा, बालोलवा, पर्वतिया जई आदि खर उगाते हैं, जिनका सीधा असर गेहूं की फसल के पौधों पर पड़ता है। अतः इनकी रोकथाम के लिए अथवा इनको नष्ट करने के लिए हम हर्बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। इसमें सेलेक्टिव हर्बिसाइड सल्फोसल्फिरान 75% WG तथा मेट सल्फोसल्फिरान 20% WP का उपयोग करते हैं। सल्फोसल्फ्यूरान की मात्रा 13.5 ग्राम यानी 13.5 ग्राम एक एकड़ के लिए पर्याप्त होती है, और उसी के साथ आप मेट सल्फोसल्फ्यूरान जो कि 8 ग्राम का पैकेट आता है, इसकी मात्रा एक एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। यानी अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल करने के लिए 13.5 ग्राम सल्फोसल्फ्यूरान 75% WG और 8 ग्राम मेट सल्फोसल्फ्यूरान WP का उपयोग एक साथ पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे किया जा सकता है। 13.5 ग्राम यानी 13.5 ग्राम और 8 ग्राम मेट सल्फोसल्फ्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है।